ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 देशी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और धारदार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आदित्य पैलेस ढाबे के नजदीक दबिश दी, यहां से बदमाश पकड़ में आए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए बदमाशों से शहर में हुई कई और वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल बहोड़ापुर थाना पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है 5 जो रिकॉर्डेड बदमाश हैं, जो हथियार से लैस हैं और एक डकैती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक पंडित का पेट्रोल पंप है उसको लूटने वाले हैं। तो उस सूचना पर जो है मैं स्वयं और हमारी जो टीम है उसमें गई थी, और जो आदित्य पैलेस अशोकगढ़ का ढाबा है उसके पीछे जो है हमने दबिश देकर उन लोगों को पकड़ा था। कुल 5 बदमाश पकड़े थे, जिनसे दो क्या कहते हैं कट्टे, देसी कट्टे जिंदा कारतूस के साथ में, और एक छुरी है, एक चाकू बरामद हुआ है, एक सरिया भी बरामद हुआ है, जो कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। तो मौके से गिरफ्तार करके आज उनको क्या रिकॉर्ड पाए गए? हाँ, रिकॉर्डेड बदमाश, पुराने रिकॉर्ड भी हैं इनके। एक तो हमारे क्षेत्र का निगरानी बदमाश है, उसको भी पकड़ा। कुल कितने आरोपी पकड़े? कुल 5 आरोपी इसमें पकड़े। कहाँ के रहने वाले? इसमें कुछ नदी पार टाल के हैं, कुछ हमारे लक्ष्मण तलैया के हैं, कुछ मोती झील के हैं, इस तरीके से कुछ। कैनन न्यूज़ के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।